बेसिकली मेरे पीछे है ड्रेसिंग रूम जो मैं आपको अंदर से दिखाया था। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वो है ऑलमोस्ट वीवीआईपी एरिया है। सोते हैं वो मैच का हाल बताते हैं, अच्छा है ना, आंखों देखा हाल सुनाते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग सब हेल्दी फाइन और एकदम मस्त होंगे। और गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, तो गाइस बेसिकली मैं हूँ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। और इस स्टेडियम के एक रूम में मैं अभी बैठा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ और मैं इस रूम में अकेला क्यों हूँ, तो गाइस बेसिकली मैं अपने फ्रेंड के साथ धर्मशाला आया हूँ। यहाँ पे हम लोग ट्रैक करने आए हैं, विच इज़ वेरी फेमस ट्रैक, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ट्रायउंड की ट्रैक है। तो हम लोग वहाँ आए हैं और फिलहाल मैं क्रिकेट स्टेडियम में हूँ, रूम में हूँ, और मैं आपको रूम का टूर देता हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज़ द सिटिंग एरिया जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है। वेरी गुड ईटिंग एरिया, उन्होंने छोटा सा ईटिंग एरिया भी बनाया है यहाँ पे। ये छोटा सा फ्रिज है जिसके अंदर मैंने अभी फ़िलहाल के लिए तो पानी की बॉटल रख दी हैं। अब देखते हैं इसमें और क्या क्या जाता है। वेरी नाइस मिनी फ्रिज, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े रखने के लिए कवर्स दे रखे हैं। एंड दिस इज़ द टीवी, दिस इज़ द बेड, एंड हियर इज़ द एसी। और कर्टन्स के उस साइड अभी थोड़ी गर्मी है, मैं आपको थोड़ा शाम को लेके जाऊंगा वो। एंड दिस इज़ द नीट एंड क्लीन वॉशरूम दे हैव। गाइस, सीन ऐसा है कि अभी मैं यहाँ पे जो आया हूँ अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ, आप उसको जानते हैं, आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में उसको ज़रूर देखा होगा। ही इज़ नन अदर देन मिस्टर हमारे सर कपिल, एंड ही विल ज्वाइन मी अराउंड लंच के आसपास, अराउंड 2-3 PM। गाइज, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, एज अ टूरिस्ट आप कभी भी इस स्टेडियम में आएंगे तो आपको कभी भी रूम में एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगी। इट इज़ जस्ट बिकॉज़ माई फ्रेंड हैज सम पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हेयर, तो हमको यहाँ पे रूम मिला है स्टे करने के लिए। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है ये क्रिकेट स्टेडियम का लॉन्च एरिया, और एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है उसके अंदर ये लॉन्च एरिया कैसा दिखता है। बहुत ही एकदम इंटरनेशनल लेवल का ये स्टेडियम है, उसी तरह का ये लॉन्च है जैसे आप मेरे पीछे देख भी सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़ और क्वाइट अमेजिंग। और अभी कोई फ़िलहाल मैच नहीं चल रहा है इसलिए यहाँ पर इतनी शांति है। आई एम वेरी अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। गाइज, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है ड्रेसिंग एरिया बेसिकली। तो यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं सो यहाँ पे वो लोग वेट करते हैं अपनी बारी आने के लिए। और क्वाइट ब्यूटीफुल ड्रेसिंग एरिया दे हैव, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी सकते हो, पोस्टर्स हैं, कंफर्टेबल सिटिंग चेयर्स हैं एकदम लॉन्च की तरह, और यहाँ से सारा व्यू बाहर जाता है स्टेडियम को। अभी तो यहाँ पे ब्लाइंड्स डले हुए हैं बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कोई मैच नहीं चल रहा है। सो एक्सक्लूसिव आपको ये फुटेज मिल रहा है फ्रॉम इनसाइड हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम जो है ये हिमाचल प्रदेश में। सो हैव अ लुक गाइस, काफ़ी मज़े आ रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी क्रिकेट स्टेडियम को इतना अंदर से देख भी पाऊँगा और स्पेशली ड्रेसिंग रूम वैसी जगह में आ भी पाऊँगा। तो आप भी मेरे साथ इन्जॉय करो इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना जो मेरी तरह क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, और क्रिकेट उनके लिए बहुत मैटर करता है लाइफ में एज अ स्पोर्ट। सो गाइज, बेसिकली मेरे पीछे है ड्रेसिंग रूम जो मैं आपको अंदर से दिखाया था। सो बेसिकली बाहर से ड्रेसिंग रूम ऐसा लगता है,
और सामने ही हमारे यहाँ पे पिच है मेरे पीछे ही, तो कितना पास में रहता है प्लेयर्स के लिए बैठना और यहाँ से ही मैच को व्यू करना और ऑब्जर्व करना। सो गाइज, मैं खड़ा हूँ जस्ट नेक्स्ट टू द पिच, नेक्स्ट टू द ग्राउंड, और मेरे पीछे ग्राउंड आप देख सकते हो, अमेजिंग ग्राउंड इट इज़। और टीवी में तो काफ़ी बड़ा लगता है, पर अभी मेरे को पता नहीं क्यों छोटा लग रहा है। सो गाइज, मैं स्टेडियम घूमते घूमते यहाँ पे भैया के पास आया, और भैया यहाँ पे सर्वेइंग कर रहे हैं। भैया जी ग्राउंड की सर्वेइंग कर रहे हैं, लेवलिंग जिसको बोल सकते हैं बेसिकली। तो मेरे को पता नहीं है क्या, पर क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, पर मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली। पर मैंने अपने बैचमेट जो मेरे साथ कॉलेज में रहे उनको देखा है इसी मशीन के साथ, ट्राइपॉड टाइप की मशीन, मैं इसको बोलता था, इसको टोटल स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, अच्छा। हाँ, ये पता है कि ये सर्वेइंग की मशीन होती है और इससे मतलब लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग करने के लिए जैसे ग्राउंड की लेवलिंग करनी है, अच्छा, कुछ हमें जैसे कोई डिजाइन करना है साइड में कुछ भी, अच्छा, उसके उसके पर्पज के लिए सर्वे करते हैं। तो गाइस, मैंने आपसे सुबह जिस सर के बारे में बात किया था वो सर पधार चुके हैं फाइनली स्टेडियम में। और हाय हाय एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? फाइनली आप आ चुके हैं। आई होप हिमाचल में आपका अच्छा स्वागत हुआ है। स्वागत अच्छा हुआ है, और आगे हम अब तो मस्ती डबल होने वाली है, जो फन है वो डबल होने वाला है। क्यों भाई? बिल्कुल फन होगा, नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। कौन कराएगा? हद से ज्यादा। सारी हदें पार हो जाएंगी। सारी हदें तो पार होंगी, पर कुछ हद जो है जो पार होंगी पर आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए यूट्यूब पे। और आगे आपसे मिलते रहेंगे। फिलहाल अभी हम हैं, जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, रेस्टोरेंट एरिया है ये, और बैक साइड में आप जैसे देख सकते हो पूरा यहाँ से ग्राउंड का व्यू आता है मस्त। तो गाइज, हम जहाँ पे अभी खड़े हैं वो है ऑलमोस्ट VVIP एरिया, और यहाँ से सीधा आपको बर्ड्स आई व्यू मिलता है ग्राउंड का, जो हमारे पीछे है, आप जैसे देख भी सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको एज अ टूरिस्ट अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे जो हमारे भाई साहब हैं इनके कुछ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, इसी वजह से हमको यहाँ पे एक्सेस मिला आने का। वरना अगर आप ऐसे नॉर्मल टूरिस्ट आएंगे तो स्टैंड्स तक ही आपको एक्सेस लिमिटेड है। बाकी कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैच देखने आए यहाँ पे, जब भी मैच हो धर्मशाला ज़रूर आए मैच देखने। बिल्कुल, जो मैच का मज़ा है वो तो है ही, साथ में जो पीछे पहाड़ हैं, पहाड़ स्नो कैप माउंटेन्स हैं। तो गाइस, ये है कुछ रेडियो बॉक्स करके, अब पता नहीं क्या है। तो सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम क्या है, जो कमेंटेटर्स होते हैं वो मैच का हाल बताते हैं, अच्छा। है ना, आंखों देखा हाल सुनाते हैं। हम आने वाले मैच का बताते हैं, कौन जीतेगा, कितने रन बनेंगे, और वैसा ही होगा। मैच का हाल तो ठीक है, पर ये दिल का हाल कौन बताए? गाइस यहाँ से व्यू देखो आप, मजेदार व्यू है, पता नहीं क्योंकि लाइटिंग ये हुई ना बात मस्त। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं, ये पता नहीं कौन सा स्टैंड है, पर यहाँ से भी अच्छा व्यू है स्टेडियम का, पीछे जैसे आप देख सकते हो मेरे, मज़ेदार है। पर अभी थोड़ी थोड़ी धूप है, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो हो सकता है कि 5-6 बजे के आसपास हैं कभी 5-6 बजे के आसपास थोड़ा और बढ़िया हो जाए, सूरज ढल जाए थोड़ा। सूरज ढलने के बाद फिर आते हैं स्टैंड्स पे, फिर आएंगे स्टैंड्स पे। और अभी पीछे जो हमारी पिच है उस पे पानी मार रहे हैं लोग। गाइस अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो है स्टेडियम का इंडोर जिम, बहुत ही मस्त जिम है, और हम अपने मतलब की चीज़ जो है फिटनेस से रिलेटेड वो ढूंढ ही लेते हैं। तो मेरे पीछे आप जिम देख सकते हो, और यहाँ पे क्लब्स भी पड़े हैं जो कपिल को बहुत पसंद है,
क्यों भाई? बिल्कुल, आप तो यहीं पे। अब आपको एक कौन सा लास्ट, कौन सा कितना भारी है? लास्ट 50 केजी का है। हाँ, तो 50 केजी का आप क्लब, आपको कपिल उठा के दिखाएंगे कैसे उठता है और एक राउंड भी लगा के दिखाएंगे अक्रॉस द शोल्डर। गाइज, अब हम जा रहे हैं बाहर थोड़ा लोकल एक्सप्लोर करने के लिए, देखते हैं बाहर क्या मार्केट है। क्यों भाई? बिल्कुल, लोकल तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। और कैसी मार्केट है, क्या सीन है बाहर का? बाहर जाते हैं और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। पीछे आप देख सकते हो HPCA स्टेडियम, बहुत बढ़िया स्टेडियम है भाई, और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो गाइज, अभी हम बाहर निकले हैं मार्केट की और हमारे साथ हैं माखन भैया। माखन भैया, क्या हाल है? बढ़िया जी। तो आप कभी भी धर्मशाला आएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं माखन भैया का आपको नंबर दे दूंगा, आप कभी भी यहाँ पे आएंगे उनसे ही आपको टैक्सी सर्विस लेनी है, क्योंकि बहुत ही फ्लॉलेस सर्विस देते हैं भैया। और भैया का जो नेचर है, व्यवहार है, एकदम ही मतलब नेक्स्ट लेवल का है, एकदम घर वाली फीलिंग आती है भैया के साथ। कभी भी आप धर्मशाला आएंगे तो आपको पता है कि आपको किन से मिलना है। माखन भैया नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है भैया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया का नंबर डाल दूंगा। और भैया की टैक्सी सर्विस आपको कहीं पर भी चाहिए हिमाचल में तो भैया को आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। क्यों भाई कपिल? बिल्कुल, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा भी नंबर डाल दें। तेरा नहीं डालूंगा क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है। गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला। कल रात हम लोग बहुत ही लेट सोए हैं और काफ़ी मज़ेदार हमने पार्टी की थी, जो पार्टी मैं आपको दिखा नहीं सकता। बहुत ही मज़ा आया हमें, और हमने क्या हरकतें नहीं की, और वो ऐसी हरकतें जो मैं YouTube पे नहीं डाल सकता। बाकी इट वाज अ वेरी फन नाइट, बहुत ही ज़्यादा हमने मज़ा किया। कब हम सोए हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि हम लोग बहुत लेट नाइट सोए हैं। और अभी क्या टाइम हो रहा है कपिल? अभी छः बज रहे हैं। तो आज हमारा डे टू है और हमें जाना है ट्रैकिंग पे, एक पैकेज जिसमें हम लोग ग्रुप के साथ जा रहे हैं बेसिकली। तो हमें वहाँ पे जाना है, बक्सुना टेम्पल है ऊपर मैक्लोडगंज की तरफ, तो वहाँ पे हमें जाना है, पहुँचना है 11 बजे जहाँ से हमारी ट्रैकिंग बेसिकली चालू होगी। तो चलते हैं, अब रेडी होते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारे सर भी उठ चुके हैं। सर, गेट गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। तो ये आपकी रात, इट्स अ सीक्रेट। इट्स अ सीक्रेट तो है ही, जिसको यहीं पे दफन करके जाना पड़ेगा। दफन तो करके जाना ही पड़ेगा, पर बहुत मजा आया हमें। बिल्कुल मजा आया। किस किस को फोन नहीं लगा तूने, ये बता। वो तो अब उनका फोन आएगा। सो गाइस, दिस इज द अर्ली मॉर्निंग व्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, सुबह मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखो आप, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, एकदम शांति है, मज़ेदार, जो मेरे को जैसे कि अर्ली मॉर्निंग पसंद है, एकदम प्लेजेंट वेदर। और चलते हैं, अभी तैयार होते हैं क्योंकि हमें निकलना भी है, ऊपर जाना है, और ऊपर थोड़ा बहुत हम एक्सप्लोर भी करेंगे, उसके बाद हमारी ट्रैकिंग चालू हो जाएगी।